सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। अध्याय 6 में आप जानेंगे कैसे ज्ञान गंगा द्वार पर आई। गुरु शिष्य लीला में एक सुरीला तो दूसरा सुरमेल था। सुरमेला इसलिए क्योंकि विवेकानंद भजन बहुत अच्छा गाते थे और उन्हें संगीत का ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस हमेशा उन्हें गाने के लिए कहते और गाना सुनकर भाव दशा में यानी समाधि में चले जाते थे। गुरु सुरमेल थे यानी वहाँ नर और नारायण के बीच में सुरमेल स्थापित था, इसलिए एक को सुरीला और दूसरे को सुरमेल कहा जा सकता है। उस दौर में अलग अलग आध्यात्मिक समाज और उनकी संस्थाएं होती थी। रामकृष्ण परमहंस ने से मिलने से पहले विवेकानंद ब्रह्म समाज नामक संस्था से में जाते थे, वहाँ गाते भी थे। वहाँ उनके सुर की बहुत तारीफ होती थी। बाद में वे रामकृष्ण परमहंस सत्संग में भजन गाने लगे। यहाँ आकर धीरे धीरे उनके भजनों में भी बदलाव आया, क्योंकि अब वे उन्हें समझ मिल रही थी। शुरुआत में इंसान प्रसिद्ध भजन ही गाता है, लेकिन समझ मिलने के बाद वह प्रसिद्ध भजनों की सीमा में बंधा नहीं रहता। दुनिया में हर तरह काम भी होता है। जब उनके सुर और ताल का मेल हो, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं मुझे स्वास्थ्य मिले, पैसा मिले, समृद्धि मिले, अच्छे रिश्ते मिले, जीवन साथी मिले, बच्चे मिले इत्यादि, लेकिन इन चाहतों के बाद भी अगर आपकी भावना नकारात्मक और सोच निराशावादी है, तो इसका अर्थ है कि आपकी इच्छा और आपकी ग्रहणशीलता में सुरमेल नहीं है। इसके चलते आपकी ये चाहते पूरे होने के रास्ते में बाधाएं आएंगी। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सुरमेल में थे। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर आए थे, उनका ध्यान सिर्फ उसी पर था, इसलिए सब कुछ सही ढंग से ही रहा था। सुरीले शिष्य और सुरमेल गुरु के बीच चुंबकीय आकर्षण था। इसी कारण कभी नरेंद्र अपने गुरु के पास तो कभी गुरु नरेंद्र के पास खींचे चले आते थे। दुर्गा पूजा की वह शाम भी उनकी मुलाकात की तैयारी ही थी। दुर्गा पूजा की उस शाम को पंडाल प्रकाश से जगमगाया रहा था। श्रद्धालुओं की भीड़ देवी दर्शन के लिए आ रही थी। भजन कीर्तन गाने वाले अपने वाद्य यंत्र परख रहे थे। नरेंद्र और उनका मित्र रवि भजन मंडली के पास बैठ गए। ब्रह्म समाज की बैठकों में जाते जाने से संगीत में नरेंद्र की रुचि जाग चुकी थी और उनका गला भी मधुर हो चुका था। भजन कार्यक्रम शुरू होने पर नरेंद्र ने भी मंडली के साथ सुर मिलाया। नरेंद्र के भजन को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। भजन मंडली वालों ने भी नरेंद्र की तारीफ की और धीरे धीरे उनके गायकी की प्रशंसा फैलने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नरेंद्र के पड़ोसी सुरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपने घर पर आमंत्रित किया। इसी उपलक्ष्य में एक आनंदोत्सव का इंतजाम किया। उन्होंने नरेंद्र की तारीफ सुन रखी थी, इसलिए उत्सव में गाने के लिए उन्होंने नरेंद्र को ही बुला लिया। नरेंद्र तैयार हो गए। उन्होंने जो भजन गाया, उससे श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रभावित हुए। वे पूरी तन्मयता से नरेंद्र का भजन सुन रहे थे। भजन समाप्त होने पर ठाकुर ने रामचंद्र दत्त को अपने पास बुलाया और कहा, इस लड़के को दक्षिणेश्वर लेकर आना। यह बात नरेंद्र के कानों में भी पड़ी। जाते समय ठाकुर नरेंद्र के पास रुके। उन्होंने नरेंद्र के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें पलट पलट कर देखने लगे, जैसे कुछ कुछ खोज रहे हों, और कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुम लोगों की भलाई के लिए इस संसार में आए हो। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। किसी दिन दक्षिणेश्वर आना, माँ काली के दर्शन करना। आएगा ना नरेंद्र? यह नरेंद्र की रामकृष्ण परमहंस के साथ पहली मुलाकात थी। उस समय वे सिर्फ 18 के थे। इस मुलाकात समय ही नरेंद्र को पता चला कि लोग रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर के नाम से जानते थे, मगर उन्हें ठाकुर का यह व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा। उन्होंने तो सुरेंद्र नाथ बाबू से एक भजन गाने के लिए बुलाया था,
और पड़ोसी होने के नाते वे चले आए। वे सोच रहे थे कि यह दक्षिणेश्वर जाने की बात बीच में कहां से आ गई। वे आश्चर्य भरी नज़रों से चुपचाप ठाकुर जी की ओर देखते रहे। ठाकुर ने फिर से नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने के लिए आग्रह किया। रामकृष्ण परमहंस हुगली जिले के एक छोटे से गांव कमारपुकुर से कोलकाता रोजगार के लिए आए थे। उन्हें रोजगार से अधिक काली माँ के चरणों में संतुष्टि महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने रोजगार का विचार त्याग दिया और काली माँ के पुजारी बन गए। माँ काली के सामने वे जिस भावातीत अवस्था में बैठते थे, वह किसी अभ्यास या जप तप से ज्ञान प्राप्त नहीं हुई थी। इसका अनुभव तो उन्हें 6 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। दरअसल जब उसकी आयु के बालक पाठशाला जाया करते थे, उस समय वे ईश्वर भक्ति में मग्न रामकृष्ण खेतों और बगीचों में भजन गाते घूमते थे। उनके परिवार का माहौल भी ऐसा ही था। उनके पिता एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन कमारकुपुर में आया कोई साधु संत उनके दरवाजे से कभी भूखा नहीं लौटा। रामकृष्ण भी साधुओं की मंडली की सेवा करते और उनके पास बैठकर ईश्वर और अध्यात्म की चर्चाएं सुनते। एक दिन घर पर आई साधुओं की मंडली को विदा करके रामकृष्ण अपनी मीठी आवाज़ में भजन सुनाते लौट रहे थे। अचानक उनकी नज़र आकाश की ओर गई, जिसे देखकर उनका मन खाली हो गया। वे एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गए। यह वह क्षण था जब रामकृष्ण को जीवन में पहली बार समाधि का अनुभव हुआ था। उस समय उनकी उम्र केवल 6 साल की थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके जीवन की परिस्थितियाँ कठिन हो गई। वे आजीविका कमाने के लिए बड़े भाई के पास कोलकाता चले आए। उनके बड़े भाई एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने कोलकाता में एक पाठशाला खोली हुई थी। सरल निष्कपट रामकृष्ण को जल्द ही महसूस हो गया इस लौकिक विद्या से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, जिस विद्या से मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, वह अध्ययन करने से क्या फ़ायदा। वे उसी समय कमारपुर लौट जाना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। उनके बड़े भाई ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वे दक्षिणेश्वर में काली माँ मंदिर का पुजारी का पद स्वीकार कर ले, और रामकृष्ण ने ऐसा ही किया। मंदिर में जब रामकृष्ण पूजा करते तो मन ही मन वे काली माता के रूप में ईश्वर के बारे में सोचते रहते, ईश्वर को अपनी आँखों में देखने की इच्छा करते और हर दिन माता से प्रार्थना करते, माते आज भी आपके दर्शन नहीं हो पाए। इसी तरह कई दिन कई महीने बीत गए और एक दिन माता काली ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद रामकृष्ण अंश सत्य साधना और स्वानुभूति का प्रचार करने में लग गए। दक्षिणेश्वर दर्शन के लिए आने वाले हर धर्म और पंथ के लोगों से वह चर्चा करते। इस तरह उन्होंने मुस्लिम और ईसाई धर्मों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। रामकृष्ण परमहंस भाव में यानी हृदय के तल पर रहते थे। वे जब भी कहीं बैठते या भजन सुनते तो उनके तुरंत समाधि में चले जाते। तुरंत समाधि की भाव दशा में पहुंच जाने की वजह से उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें संभालना पड़ता था। भाव दशा का अर्थ है जब कोई इंसान किसी विषय पर मनन कर रहा हो और उसमें इतना तल्लीन हो जाए, इतना मगन हो जाए कि अपने शरीर का एहसास भी न रह जाए। जिस प्रकार स्याही सोखने वाला कागज स्याही को पूरी तरह सोख लेता है, उसी तरह जब कोई समाधि में हो जाता है तो अपने शरीर का एहसास नहीं रह जाता, वह वलीन हो जाता है। ऐसे में यदि शरीर पर कोई चोट लग जाए तो उन्हें पता तक नहीं चलता। रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही गुरु थे। जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु को उनके जीवन में आना ही पड़ता है। नरेंद्र पक्के शिष्य बन चुके थे, इसलिए रामकृष्ण परमहंस गुरु के रूप में उनके जीवन में आए। हालांकि शुरुआत में नरेंद्र उन्हें गुरु के रूप में पहचान नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ती गई और नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के भक्त बन गए। नरेंद्र अत्यंत तर्कशील इंसान थे, किंतु गुरु कृपा से उनका जीवन ऐसा प्रवर्तित हुआ कि आज रामकृष्ण परमहंस से
स्वामी विवेकानंद को अलग देखना वैसा ही है जैसे सूरज से किरणों को अलग करके देखना। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का आना एक महान घटना थी, जो गुरु ऋषि शिष्य के रिश्ते की एक आदर्श मिसाल है।